अ वेरी वार्म वेलकम आपके अपने शो स्वैगी स्टार्स पर, जहां पर हम करते हैं आप ही के कुछ फेवरेट स्टार्स से स्वैग और चिल भरी बातें और दिखाते हैं आपको उनकी एक अलग ही साइड। तो चलिए करते हैं शुरुआत मेरे यानी कल्याणी वढेरा के साथ। तो आज जिस आर्टिस्ट से हम मिलने जा रहे हैं वो एक सिंगर, लिरिसिस्ट, गिटारिस्ट तो हैं ही, पर साथ ही जो उनका कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ही ज्यादा क्यूट और हॉट काइंड ऑफ का है। जी मैं बात कर रही हूँ गुड नजर की। करो निकले कर मुटे आरे, ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस थोड़ी टाइट पाके, करो निकले जदों ले टाइट। जदों तक मेरे सांस होनिए मैं उदों तक नाल रहूं। हाय सर, कैसे हैं आप? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूं और जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही हैं उन सबको नमस्कार। एंड सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ कोई भी नहीं सॉन्ग के लिए। इट्स 31 मिलियन व्यूज और वो बहुत बड़ी बात है। आपका पहला सॉन्ग है ये जिसको इतने सारे व्यूज मिले, है ना? कैसा फील हो रहा है? ऑब्वियसली अच्छा फील हो रहा है और मतलब दिस इज माय फर्स्ट सॉन्ग जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिला अभी तक। इट फील गुड, बहुत अच्छा लगता है। या अच्छा, तो इसके लिरिसिस्ट क्या आप ही हैं या फिर किसी और ने लिखा है गाना? नहीं, लिखा हुआ गाना। दैट्स वेरी नाइस। क्या क्या सोच के गाना लिखा? मतलब एक्चुअली मेरा एक दिन ग्रुप बना हमारे व्हाट्सएप पे, जिसमें शर्ली थी, मैं था, उनकी पूरी टीम थी, मेरी पूरी टीम थी, EYP स्पीड रिकॉर्ड्स। सो उन लोगों का आइडिया था कि इन दोनों का गाना, दे वांट अस टू कोलैबोरेट। अच्छा, आपकी टीम्स का आइडिया? ये हमारा टीम का आइडिया था। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि वी हैव टू क्रिएट समथिंग, आप एक गाना बनाओ एंड हमें शर्ली के साथ करना। तो मैंने 2-3 गानों की ऑप्शन भेजी उस ग्रुप के अंदर और उनमें से एक गाना शर्ली को बहुत पसंद था। बट मेरे दिमाग में जो शर्ली की, शर्ली इज़ वेरी स्वीट, वो बहुत प्यारे हैं। हाँ, वो बहुत प्यारे हैं, शी इज़ वेरी क्यूट। तो मेरे दिमाग में था, मैंने कहा एक प्यारी लड़की के लिए एक प्यारा सा गाना होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही एक दिन बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट सी प्यारी सी साउंड बनाते हैं, तो मैंने ये गाना बनाया। ये बना के मैंने उनको भेजा तो शी लाइक्ड इट। उनको ये बाकी दो थे उनसे ज्यादा अच्छा लगा। लिरिक्स के अंदर उन्होंने नहीं बोला कि कुछ ऐसा या ऐसा हो जाए, आपने जैसे बना कर भेजा शी लाइक्ड इट, उनको वो अच्छी लगी चीज, क्योंकि बहुत सिंपल से लिरिक्स हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लिरिक्स में रखा नहीं है। क्योंकि आम बात, जितना इजी होता है गाना मुझे लगता है वो लोगों को उतना पसंद आता। तो मैं अपने गानों में ज्यादा डीप चीजें नहीं रखता हूँ, मुझे थोड़ी हल्की हल्की सी बातें कहनी अच्छी लगती है गानों में, तो पीपल लव्ड इट। ओके, अच्छा, गानों के अंदर तो सीधी बातें अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ के अंदर गहरी बातें अच्छी लगती हैं? वो लगती हैं। वो लगती हैं। ओके, अच्छा, तो इस जो गाने की स्टोरी लाइन है बहुत ही ज्यादा क्यूट है, ये आइडिया किसका था? ये आइडिया नहीं, ये आइडिया था रॉबी सर का, रॉबी सिंह। उन्होंने गाने का वीडियो किया और जिस चीज़ को हम लोग मानते हैं, लाइक वी वर टोटली इन्वॉल्व, मैं, शर्ली, हमारी पूरी टीम। इट वॉज नेवर लाइक कि वो गाना मैंने बनाया और उन्होंने गाना है, ये गाना हमारी टीम का गाना था। हर एक इंसान की टोटली उतनी ही इन्वॉल्वमेंट थी जितनी हमारी दोनों की थी। तो बट जब हम वीडियो तक पहुँचे तो हमने टोटली रॉबी सर पर छोड़ दिया, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन इंडस्ट्री एंड उनसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता था। अच्छा, तो जैसे कि गाना अगर आपने किया तो हर एक के अंदर एक बुरी याद भी होती है, एक अच्छी याद भी होती जी। इस गाने की बुरी और अच्छी याद क्या थी? इस गाने की कोई बुरी याद नहीं थी। बुरी याद एक छोटी सी थी, जिस दिन मैं फर्स्ट डे पिक करने गया इनको, शर्ली और उनके मैनेजर थे, तो मैनेजर मेरे साथ नीचे थे और शर्ली लिफ्ट में फंस गई थी। और वो काफ़ी आधा घंटा आराम से लिफ्ट में फंसे रहे, मैनेजर लड़ रहे हैं वहाँ पे नीचे और ये क्या हो गया, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। वो स्टोरी बना रही थी अंदर, अरे देखो मैं लिफ्ट में बंद हो गई हूँ। तो ये बैड नहीं है, ये अच्छी ही है। और उन 2 दिन बारिश बहुत हुई, जिन 2 दिन हमने शूट किया बहुत बारिश थी, बट वो किसी तरह हो गया हमारा शूट। अब तक व्यूज तो 31 मिलियन हो चुके हैं। आज 32 हो गए थे। ओके, 32 हो गए थे। जी, मैं देख के आया हूं अभी। मेरे स्टैट्स थोड़ा वीक रह गया यहां से, कल देखे होना ना। कोई गाना नहीं। हां, तो फिर एक गाना भी मतलब यहां पे हो ही जाए ना, बात चल रही है। जी बिल्कुल, श्योर। केड़ा सुनना तुसी? यहां दसो, यही वाला, इसी गाने की बात चल रही है, यही वाला गाना। ओके, श्योर, डन। गाना दिस वन स्पेशली उस सारी ऑडियंस के लिए जिन्होंने गाने को प्यार दिया, और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए लाइव। ऐ मेरे से आना कर मेरी सोनिए, ऐ मेरे से आना कर मेरी हीरिए, के तेरे बाजू कोई भी नहीं मेरा,
के तेरे बाजों कोई भी नहीं देखानू इना तू सतोने मारे जानिया जान जान के रवाने मारे जानिया जे मेरे बाजों कोई भी नहीं तेरा जे मेरे बाजों कोई भी नहीं के तेरे बाजों कोई भी नहीं मेरा के तेरे बाजों कोई भी नहीं मेरा रब है गवाह सोनिए मेरा रब है गवाह सोनिए मैं उदों तक प्यार करूं जदों तक मेरे सांस सुनिए मैं उदों तक प्यार करूं जदों तक मेरे सांस सुनिए वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच बहुत मजा आया सुन के मुझे ऐसा लग रहा है मुझे लाइव सुन के ज्यादा मजा आया अरे लाइव हम अच्छा प्ले करते हैं तो आप लोग शो मत मिस किया करो मैं अपडेट्स डालता रहता हूं अपने शो की मुझे अपना लाइव मेरे गानों से ज्यादा पसंद है ओके सनी मैं बहुत अच्छा नहीं गाता गड़बड़े बहुत होती है बट फिर भी हमारा लाइव अच्छा होता है तो आप लोग अगर कहीं पे भी आसपास हमारा शो रहा हो तो नेवर मिस इट आप मिस मत कीजिएगा अच्छा तो गुरनजर अगर आपके सिंगिंग करियर की बात करें तो क्या आपने शुरू से सोचा हुआ था कि आपको सिंगिंग लाइन में ही जाना है नहीं मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं कभी सिंगर बनूंगा क्योंकि मेरी फैमिली से कोई सिंगिंग में नहीं है और मैं स्केटिंग करवाता था आई वॉज वर्किंग एज अ कोच जब से मैंने अपनी प्लस टू पास आउट की थी आई वॉज डूइंग जॉब अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करता था मैं सब प्लस टू के बाद यू स्टार्ट आई स्टार्टेड डूइंग जॉब क्योंकि जब मैंने मेरा स्कूल मेरे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्केटिंग में और 7-8 नेशनल मेडल्स हैं मैं हरियाणा से खेलता था तो हरियाणा में वैसे भी स्पोर्ट्स का बहुत स्कोप है तो हमें बहुत अच्छा पुश गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट थी गेम्स के लिए ऑलवेज हरियाणा में तो इसलिए हरियाणा के दिल से रिस्पेक्ट है हरियाणा से बहुत कुछ मिला मुझे और मैं कॉलेज में एडमिशन लिया अम्बाला तो मैं जब कॉलेज जाता था मैं देखता था यार वही बेसिक चीज़ है कॉलेज के लेक्चर बंक हो रहे हैं बच्चे कैंटीन के बाहर बैठे हैं और यही सब कुछ तो मुझे लगा मैंने और मेरे वहाँ पे एक दोस्त बना और वो बहुत डूड टाइप का बंदा था बाइक पे आता था ढीली सी जीन डाल के मतलब पूरा एकदम तो वो मुझे बहुत पसंद था तो मेरी और उसकी दोस्ती हुई तो मैंने उससे पूछा वो आफ्टर कॉलेज जॉब करता था कहता मैं खुद कमाता हूँ और मतलब I do everything what I want. So you got inspired from him. मैं उससे इंस्पायर हुआ मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ है ना why to go with this basic routine कि मैं आ रहा हूँ विला उसके बाद वापस चला जाता हूँ मतलब मुझे प्रोडक्टिव नहीं लगता था नहीं कॉलेज बहुत प्रोडक्टिव होते हैं बट मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था तो मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं इंजीनियर नहीं बन रहा कि मेरा रोज़ आना ज़रूरी है तो आई मुझे बहुत पहले भी ऑफर्स थे क्योंकि जब हमारे कोच साहब नहीं होते थे वहाँ पे स्केटिंग रिंक में तो मैं कभी कभी बच्चों को स्केटिंग करवाता था एंड पेरेंट्स स्टार्टेड लाइकिंग मी उनको ही होता था कि नहीं ये सिंसियरली करवाता है तो ऐसे ही किसी ने रिकमेंड करके मेरा रिकमेंडेशन दिया पानीपत में तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ स्केटिंग कोच इन अ स्कूल एंड उसके बाद DPS आ गए थे कुरुक्षेत्र में तो फिर आई वॉज वर्किंग इन DPS एज अ कोच और बहुत सही चल रही थी ज़िंदगी मेरा था कि हाँ स्केटिंग करवाएंगे स्केटिंग करेंगे एक सरकारी नौकरी होगी तो सिंगिंग का नहीं सोचा था शौक था गाने का और लिखने का तो जितने भी पैसे होते थे शुरू के गाने मैंने फ्री में रिकॉर्ड करवाया ऐसे ही यूट्यूब पे डाल दिए अपने दोस्तों को भेजे तभी मैं बोलता हूँ 32 million इज़ अ वेरी ह्यूज फॉर मी बिकॉज आई नो वेयर फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड तो ऐसे करते थे उनको अच्छा लगता था तो एक बहुत क्लियर सी पॉलिसी है अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप एक या दो लोगों को ज़रूर बताओगे बुरा लगता है तो आप 20 या 30 को बताओगे बट अच्छे 2-3 को बताओगे तो वो दो तीन वाले प्रोसेस में धीरे धीरे चल रही है गाड़ी मेरी तो ऐसे ही चलती गई एंड आई स्टार्टेड अच्छा तो आपने गिटार क्लासेस भी दी आई थिंक जी स्केटिंग क्लासेस में ज़्यादा मज़ा आया या फिर गिटार क्लासेस में मैं आपको बताता हूँ दोनों इक्वल सही थे मेरे लिए मेरा बहुत ही मैं खुद प्रैक्टिस करता था सुबह 5 से 7 दिन मैं स्कूल जाता था उसके बाद दोपहर को आके सो के शाम को मैं खुद प्रैक्टिस करता था अगेन एंड गिटार क्लास मैं इतना अच्छा गिटार नहीं बजाता बहुत बेसिक सा गिटार बजाता हूँ बहुत अच्छा नहीं मतलब इतना बजा लेता हूँ कि मेरा काम चलता है और मेरे एक अंकल थे उनका बेटा था उनको गिटार सीखना था तो कहते हैं जितना आपको आता ना मेरे को इतना ही सीखना है तो वो आया उसके देखे देखते 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 इतने सारे बच्चे आ गए मेरे पास कि मेरे पास 3-3 घंटे कॉन्टीन्यूसली क्लासेस होती थी
तो इतना होना शुरू हो गया। कुरुक्षेत्र में बहुत बच्चे ने तो स्केटिंग क्लासेस भी चलती थी, इक्वली चलती थी। हाँ जी, मेरी खुद की प्रैक्टिस भी चलती थी, मेरी जॉब भी चलती थी, मेरी गिटार क्लासेस भी चलती थी, मैं सब कुछ करता था। और कभी कभी टाइम मिलता था तो मैं कॉलेज भी चला जाता था। और बट मैं सिंसियर था अपने काम को लेके, तो मैं अपने काम पूरे कर लेता था कॉलेज के। माय प्रोफेसर्स वो बहुत कोऑपरेटिव थे, आई स्टिल मेरे को अभी भी मैं हमें ऑलवेज थैंक यू करता हूँ, मेरे प्रिंसिपल सर का और जितने भी मेरे म्यूजिक टीचर, मेरे मास कॉम, मैंने भी मास कम्युनिकेशन मास्टर्स किए, तो आई ऑलवेज थैंक देम बिकॉज उन्होंने मुझे एक आज़ादी दी कि नहीं, उनको लगता था कि शायद ये प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहा है, इसको करने दो। ओके, तो अगर हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपने पहले एक दो सॉन्ग्स किए वो भी ऐसे आप फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दिया करते थे, लेकिन कब ऐसा माइंड में आया कि अब प्रोफेशनली सिंगिंग को लेना है? ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं आया मेरे कि अब मुझे प्रोफेशनली सिंगिंग को लेना है। मेरा शुरू से एक छोटी सी चीज़ जो मैंने बचपन से सीखी है वो ये है कि जब जो करो दिल से करो, है ना, वो आपको ऑलवेज गुड आउटपुट देता है, चाहे थोड़ी धीरे चाहे थोड़ी तेज़। तो मैं अपना काम करता रहा और एक होता है ना ऑटोमेटिकली आपको फिर रास्ता मिल जाता है। तो मेरे साथ वो हुआ, मैंने सोचा नहीं था कुछ। एक दिन मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था एक क्लब में एंड हम मस्ती कर रहे थे, तो वहाँ पे एक भाई गिटार पे गाना गा रहे थे, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि यार यहाँ पे गाना गाना है, तो यू सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग। अब चंडीगढ़ के अंदर अगर कोई बंदा गिटार पे पंजाबी गाएगा तो ऑब्वियसली, है ना, तो वहाँ पे जो लोग थे दे ऑल आई वेंट वहाँ पे, मैंने बोला यार भाई मुझे एक गाना गाने गाने दोगे? कहते हाँ गा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक गाना गाया तो बड़े मज़े आए, वहाँ पे ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी। तो क्लब ओनर के मैंने डिसाइड कि यार क्यों नहीं आप क्यों नहीं करते यहाँ पे परफॉर्म करना, तो आई वाज लाइक, मैंने कहा ठीक है यार करते हैं, मैंने कहा इसी बहाने हम तीन चार बंदे इकट्ठे होके हर हफ्ते चंडीगढ़ आया करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वो थी, मैंने कहा फेसबुक पे स्टेटस डालेंगे ऑफ टू चंडीगढ़ शो है हमारा। तो ऐसे शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम पे वो बड़ी बात होती थी। हाँ जी, अभी भी है वो बड़ी बात, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र हूँ तो अभी भी होता है कि जब भी वहाँ किसी के पास टाइम होता है तो सबसे पास जो स्पॉट पड़ता है वो चंडीगढ़ ही है भाई, अब सारा आता है चलो आज चंडीगढ़ घूम के आएंगे, तो हमारे लिए बहुत मज़ेदार बात होती थी। तो गुरनाथ सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा है कि 2014 में शायद आपका फर्स्ट गाना आया था यार प्यार ऑफिशियली, अगर मैं अच्छा आपने ये भी सर्च किया नहीं? जी बिल्कुल, मेरा पहला गाना था वो। हाँ। पहला गाना एक्चुअली वो नहीं था, मेरे पहले गाने कई हैं। तो ऑफिशियली जो एक आप जिसको कहोगे तो वो मेरा पहला गाना था, और उसके बाद आदतां देन बेवफा, तो उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ था जी। यस, तो यहाँ तक आने का, यार प्यार तक आने का सफ़र कैसा रहा? कैसे कैसे लोग मिले इंडस्ट्री में और किस किस ने आपको सपोर्ट किया? मेरे को ऑलवेज आई ऑलवेज थैंक सोनू पाजी फ्रॉम स्वीट रिकॉर्ड्स। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं एक दिन एक शो में परफॉर्म कर रहा था, तो मेरे शोज़ बहुत होते थे पहले, तो हम परफॉर्म कर रहे थे, आई वॉज डूइंग एक कॉरपोरेट शो एक बैंक के लिए, तो वो वहाँ पर आए हुए थे एंड उनको मेरा एक गाना था वो मैं अभी नहीं गाता, गाने का नाम है सनी लियोन। तो मैं okay. वो परफॉर्म किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने दो तीन बार ना मुझे रिक्वेस्ट भेजी, और रिक्वेस्ट के नीचे ना पर्ची पे, तो नहीं सुना आपने, नहीं सुना, अच्छी बात है नहीं सुना, तो ना स्लिप पे लिख के मुझे भेज देते थे स्पीड रिकॉर्ड्स सनी लियोन अगेन, वही सुनना है। उन्होंने 5-7 बार वही सुना, और जब वो शो खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तू एक काम करियो, तू ना ऑफिस आके मिलियो। तो दैट इज़ हाउ आई मेट हिम, एंड मेरे आज तक जितने भी गाने वो सभी स्पीड ने किए, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई किसी और चीज़ की। यस, पेरेंट्स का सपोर्ट क्या रहा? मेरी मॉम ने ऑलवेज मुझे सपोर्ट किया है, डैड मेरे थोड़े ऑफ एंड ऑन रहते थे इन चीज़ों से, और बट माय मॉम ऑलवेज सपोर्टेड मी, क्योंकि मेरे को आज भी याद है कि मेरी सबसे बड़ी हेल्प थी, मुझे गिटार लेना था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और मुझे पता है उनके पास भी इतने नहीं थे, बट उन्होंने मुझे दिए, कहते तू सस्ता वाला ना लेके, जो अच्छा होता है तूने वो वाला लेना है, तो मुझे भी लगा, मैंने कहा नहीं यार अब मुझे दिल से करना है काम। राइट, अच्छा इजहार को 1 साल होने वाले हैं आई थिंक, है ना, 1 साल होने वाला है, तो वो बहुत ही प्यारा गाना है, उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही क्यूट है वो ऐसी, और उसके अंदर आपकी एक्टिंग देखने को मिली, वो बहुत अच्छी एक्टिंग थी, कि एंड में जब आप रो रहे थे तो एक गूज़बम्स आ जाते हैं ना, वो आ गए थे आपकी एक्टिंग को देखने के लिए। तो ये भी कहा जा सकता है कि गुरनज़र को एक्टिंग में बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने 3 साल थिएटर किया है अपने कॉलेज में, यूथ फेस्टिवल, मैंने अपने कॉलेज से बहुत कुछ सीखा, वॉट एवर आई एम इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज, क्योंकि हमारी यूथ फेस्टिवल एक्टिविटीज़ में हमारा आई स्टडीड फ्रॉम SD कॉलेज अम्बाला, तो
वहाँ की एक्टिविटीज़ जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो कॉलेज हमेशा ऑलवेज टॉप करते थे, तो वहाँ स्टूडेंट्स बहुत क्रिएटिव थे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे आज भी याद है मेरे सीनियर थे राहुल पाजी एंड एवरीवन, तो मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक से ज़्यादा ना यूँ होता था, मैंने कहा यार मैंने ये वन एक्ट प्ले करना है, तो मैंने 3 साल यूथ फेस्टिवल के अंदर म्यूज़िक किया ही नहीं। ओके मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे था मैं प्ले करूँगा, और मैंने 3 साल वन एक्ट प्ले किए। बट उस दौरान मैंने लिखना शुरू कर दिया, अपने गाने बनाने शुरू कर दिए, तो फिर उसके बाद जब मैंने मास्टर्स की तो उस दौरान फिर मैंने प्ले छोड़ के फिर मैं म्यूज़िक की तरफ हो गया। यस आई डिड, मैंने 3 साल प्ले किए, तो मेरे अंदर थोड़ा सा कीड़ा है, वो बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। इजहार गाना बहुत प्यारा है, तो अगर आप वो सुना दें हमें। जी डन, ज़रूर। बड़े चिरा तो कुछ कहना तेनू चाहुंदा सी, जो कदे कहना मैं पाया, मैं डरदा सी कितने दूर ना तू हो जे, ताही ता कह नहीं हो पाया। हाँ कदों तक गल दिल च लुकाउंदा मैं, मैनू ता समझ ना आया, मैं तेनू दसना है हाल अज दिल दा, जो इन्ने चिर तो लुकाया, मैं अज इजहार करदा हाँ, मैं तेरे नाल प्यार करदा हाँ, मैं तेरे बिना जी नहीं सकदा, मैं इकरार करदा हाँ। वेरी नाइस। और ब्लैक एंड वाइट गाना जो है ना, वो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, आज वैसे भी वाइट पाया हुआ तो इसलिए मैं मोस्टली जब लड़कियां देखी या उनको ब्लैक पसंद होता है ज्यादा या व्हाइट पसंद होता है, व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है। हाँ, तो फिर जरूर ऐसा ही है ना, तो इसी पे मैंने गाना बनाया था ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, अभी आपके पर्सनल गाने कौन कौन से आने वाले हैं? बहुत सारे हैं, वो जब भी आएंगे मैं अपने सोशल मीडिया। जल्दी आने वाले हैं या फिर अभी? नहीं, जल्दी आएंगे। अगला गाना मेरा विद इन नेक्स्ट 1 month वो हम लोग करेंगे। ओके, वो अच्छा लगेगा आप सभी को। ओके तो चलो, अपना बहुत बातें कर ली, अब थोड़ा गेम्स खेलते हैं। जी आपने ये जो खतरनाक रखा हुआ ना नेवर, और इसके पीछे कुछ और है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ ना, देखो क्या करना है। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जी, तो अगर आपका आंसर हाँ है तो आई हैव दिखाना कैमरा। ऐसा नहीं है, मैं कभी जरूरी नहीं कि मैं हर बार सच बोलूं, मैं झूठ भी बोलता हूं, आप कोई बात नहीं इसको रखो, मैं खेलता हूं इसको। तो इसको और, स्टार्ट करते हैं। और चलो ठीक है, फिर मैं क्या ही बोलूं, कोई बात नहीं। ब्लफ भी बहुत खेले मैंने दोस्तों के साथ, तो चलता है। तो करें शुरू? जी करिए शुरू। रेडी हो झूठ बोलने के लिए? नहीं रेडी, मैं पूरा भी झूठ नहीं बोलता। चलिए चलो, पहला क्वेश्चन कि कभी ऑपोजिट सेक्स की तरफ मतलब अट्रैक्ट होके और उसकी तरफ उसकी तरह तैयार होने की कोशिश की हो, कभी लड़की बनने की? नेवर, इधर ही है ना। हाँ, बचपन में तो करते होते हैं यार, झूठ मत बोलो, लड़के करते नहीं, हैं। नहीं नहीं, मम्मी फ्रॉक पहना देती है यार। नहीं वैसे खेल खेल में किया है, जब बहुत छोटा होता था तब घर वाले भी है ना मस्ती कर रहे होते हैं कि छोटा इसको ऐसे कर दो, एक बारी मेरे घर वालों ने फ्रॉक पहनाई हुई है मुझे बट उसके अलावा अपने दिल से कभी नहीं किया, वो तो धक्का हुआ था तो नेवर। ओके ओके, कभी ऐसा हुआ कि जाने का कहीं मन ना हो काम पे या फिर स्कूल या फिर कॉलेज और झूठ बोल दिया कि मैं बीमार हूँ और नहीं गए? ये तो सब बोलते ही हैं, सब झूठ बोलता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी होमलेस पर्सन को कुछ अपनी पर्सनल चीज गिफ्ट की हो एक याद के तौर पे? मैं सुनना चाहूंगी इंसिडेंट। ये इंसिडेंट बहुत सारे हैं, एक आधा नहीं है। ओके yes. कभी ऐसा हुआ कि घंटों बिता दिए YouTube वीडियोस देखने में, घंटों बैठे रहे YouTube वीडियोस देख? नहीं बहुत ज्यादा घंटे नहीं, बट हाँ एक दो इतना तो होता ही है, 2-3 चलते। कभी ऐसा हुआ कि पब्लिकली कहीं पे कुछ बोलने के लिए जाना और उससे पहले मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस की हो कि मैंने क्या बोलना है? नहीं, क्योंकि हमेशा दिल से निकलता है। दिल से निकलता है और मुझे यूं लगता है कि शायद वो जो तैयारी करके जाते हैं ना वो कभी होता नहीं तो इसलिए वो करनी नहीं चाहिए, आपको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ठीक है, जो दिल में आया बोल दो। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, हमारे कॉलेज के अंदर एक बारी कॉन्वोकेशन थी हमारी शायद, यस, तो एक IAS ऑफिसर आए थे, तो उनको उन्होंने आते ही माइक पे बोला, कहते देखो तुम्हें अपनी फ़ोटो करवानी है, तुमने अपनी डिग्री लेनी है जो भी है, कहते हैं मेरे को पता है कि वहाँ जो बच्चा बैठा होता है ना वो आधे से ज़्यादा गालियाँ दे रहे होते, ला आ गया बड़ा ये पकाएगा
तो उन्होंने ये बात बोली है, तो ना वो उस चीज़ पे जो बच्चों का रिस्पॉन्स था ना वो बहुत सही था. तो उस दिन मेरे को ये फील हुआ कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि उनको पता है कि क्या चीज़, वो स्पॉन्टेनियस वो वहीं पे निकली होगी उनके मुँह से वो चीज़, वो सोच के थोड़ी आए होंगे कि मैंने बोलना है. तो वो चीज़ हम सबको अच्छी लगी, तो मुझे लगता है कि शायद हमें भी नेचुरल रहना चाहिए. वो चीज़ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. हाँ. क्योंकि बनावटी चीज़ें मेरे ख्याल से आजकल, पहले करती होंगी बट आजकल लोग पसंद नहीं करते. हाँ जी, राइट. अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन अभी. जी, कभी ऐसा है कि किसी को शर्टलेस पिक्चर सेंड की हो? नहीं, नेवर. झूठ. मैं कहना सलमान खान वाली बॉडी मेरी जड़ी मैं करूँगा. आप सोचो ऐसा कभी नहीं, मतलब मैं करने के सोच भी नहीं सकता. सकते हो ना, मैंने लड़की का नाम तो लिया ही नहीं था, मैंने कहा किसी को भेजी है. किसी को? मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, क्या भेजूँ मैं, क्या भेजूँगा मैं. हाँ, इसलिए नहीं. चलो ठीक है, ये गेम खत्म करते हैं अपना. नेक्स्ट गेम खेलेंगे हम लोग. जी, अगली रैपिड फायर. ओके, जल्दी से आंसर्स देना. ठीक है, मतलब कोशिश कर लेना. चलो ठीक है. सबसे प्यारी याद चाइल्डहुड की किसी के साथ? बहुत सारी है, कोई एक नहीं है, बहुत सारी हैं. किसके साथ सबसे ज़्यादा है? मेरा एक दोस्त था पारस, अमेरिका से आया था. वो सिर्फ 2 साल के लिए आया था, वो मुझे कभी उसके बाद मिला ही नहीं. मैंने उसके साथ बहुत मस्ती की छोटे होते हुए. ओके जी. अच्छा, नेक्स्ट, आप ज़्यादा नॉटी हो या फिर ज़्यादा नाइस हो? मेरे को, मैं नाइस लगता हूँ थोड़ा. अच्छा. शरारती नहीं हुए, नहीं. अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो उसका जॉनर क्या होता? की दसी है, मतलब टाइटल देता हूँ मैं उस फिल्म को. ओके. अच्छा, ऐसी कोई स्ट्रेंजेस्ट थिंग जो आपने आज तक खाई है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज? तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सही खाया मैंने. मतलब ऐसा कुछ मेरे दिमाग में है नहीं कि मैंने कुछ ऐसा खा लिया हो. एग्जॉटिक. हाँ, मैं एक बात बताता हूँ. एक चीज़ थी, पेड़ों पे लगती है. मेरे नाना जी, मैं उनके साथ, मुझे ट्रेन देखने का बहुत शौक था छोटे थे. वो मुझे रोज शाम को रेलवे स्टेशन लेके जाते थे. अच्छा. तो रस्ते में एक पेड़ लगा होता था, उस पेड़ के ऊपर एक चीज़ थी, उसको बोलते हैं पंजाबी में तुक्का. अच्छा. तुक्का कहते हैं. वो जो चीज़ है वो खाने में बहुत कड़वी होती है. छिलके. अच्छा. उसका छोटा सा मटर जैसा छोटा सा दाना होता है, उसको आप खाओगे बहुत कड़वा होता है. हाँ. वो एक बार तो बहुत कड़वा लगेगा बट वो थोड़ी देर बाद आपके मुंह को मीठा कर देता है. अच्छा. हाँ, वो मुझे आज तक याद है और वो मैंने तब के बाद कभी नहीं खाई. ओके. मतलब जब मैं जाता होता था रेलवे स्टेशन तभी, तो एक बार मैं, मेरे साथ बहुत गंदा सा इंसिडेंट हुआ था स्टेशन पे, उसके बाद मेरे को ले जाना बंद कर दिया. ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा डरा देती है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनसे बहुत डर लगता है. अच्छा. सबसे ज़्यादा चीज़ होती है नेगेटिव वाइब्स. मैं उन लोगों के साथ ही नहीं रहता जो जिनसे मुझे पॉजिटिविटी ना मिले. Okay. तो सबसे ज़्यादा डर मुझे नेगेटिव लोगों से लगता है. अच्छा. ऐसा कोई बीवरेज जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? यू हेट दैट. नहीं, सब पी लेता हूँ मैं. खाने पीने में मेरी कभी कोई चॉइस नहीं रही. एक्चुअली मेरे को 2 बार जॉन्डिस हुआ था बचपन में. आप फूडी नहीं हो? मैं फूडी हूँ, मैं खाता हूँ, पर मैं सब कुछ खा लेता हूँ. मतलब आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट फूड कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो खाना है. आई ईट एवरीथिंग. मैं पहले घिया, टिंडे, तोरी, ये चीज़ें नहीं खाता था, बट मुझे 2 बार जॉन्डिस हुआ और मैंने जो हम अभी भी नहीं खाते. हाँ, नहीं खाते ना, बट जब मैंने वो उबली हुई खाई ना, जब मैं ठीक हुआ तो वही चीज़ें जब मसाले के साथ आती थी वो मुझे टेस्टी लगने लगी. तो आई लव ईटिंग एवरीथिंग, क्योंकि वो जॉन्डिस के दौरान जो खाना पीना पड़ता है ना, उसके बाद आपको सब अच्छा लगता. तो थैंक यू सो मच गुरनजर हमारे शो पर आने के लिए और हमें अपना टाइम देने के लिए. आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या कहोगे? जाते जाते मैं ऑलवेज बस उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं. आई ऑलवेज से दिस क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई ऐसा देख रहा होगा जिसकी स्टोरी मेरे जैसी होगी. मुझे बहुत बार मैसेज आते हैं कि हमें आर्टिस्ट बनना है, हमें ये करना है, हमारे पास रास्ता नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है. सबसे बड़ा ऑलवेज एक टिपिकल लाइन जो मैक्सिमम मैसेजेस में होती है, हमारे साथ बिल्कुल पैसे नहीं है. तो उन सभी को बोलूँगा मैं कि व्हेन देयर इज विल देयर इज अ वे. तो जो भी करो दिल से करते रहो. और मैंने कभी म्यूज़िक को सोच के नहीं किया था. मैं तो गाड़ी में तेल भी खुद कंट्री करके दोस्त डालते होते थे, तो ऐसे करके हम आ जाते थे शो करने. तो आई स्टार्टेड डूइंग, मेरे को ये था कि मुझे गाना दिल से गाना और मुझे ऑडियंस के लिए गाना. तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं. आप कुछ भी करो दिल से करो, यू डोंट नीड एनी सपोर्ट. आपको सपोर्ट भगवान करेगा. आप दिल से करो बस. ओके. तो मिलेंगे अगले एपिसोड में. टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे इन स्वैग.